A very good evening to all of you. Dinesh, Smita, Ritika, Abhishek, Prashav, Supriya, Sumit, Usha, Danish, Simran, Suman, Ritika. I hope I'm clearly audible to everyone. Kya aap sab mujhe sun pa rahe hain clearly? Every one of you. Am I clearly audible to all of you? So here I am bringing to you the current affairs, which is a weekly current affairs as always. And we are going to do the current affairs for the first week basically. Okay? September ke jo hum current affairs hai, wo hum yahan pe karne ja rahe hai. Now, having said this particular thing, as you all know that, you know, current affairs have got this massive importance in our examination. That is also a reason why we give so much emphasis to the current affairs. ये भी कारण है कि हम लोग क्यों इतना emphasis देते हैं current affairs का, ठीक है? Even you see NDA examination, which ever examination you see. So that's the top current affairs from 38 August to 6th of September. Fine. चलिए. That's great. Subhashish, Suresh, Usha. So make sure all of you have joined the session. You are hitting the like button and sharing the session as well. Every one of you hit the like button and share the session, and we are basically going to start this journey of the current affairs once again. ठीक है? I hope it is clear to all of you. चलिए, now I want to tell you, you know, we have got a chess Olympiad. Chess Olympiad होता है. In every sport we have got Olympics, like यहाँ पे Olympiad होता है. So we saw that India and Russia are declared the joint winner. दोनों India और Russia जो है वो joint winner है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि the ultimate idea over here is कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए that India is doing very good. India now have 66 grandmasters. India का 66 grandmasters है. ये हमने क्या देखा है, ऑनलाइन फॉर्मेट में किया गया था फर्स्ट टाइम. वैसे तो ऑफिशियली किया जाता है, बट इट वाज डन इन अ ऑनलाइन फॉर्मेट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार व्हाट आई हैव डन इज आई हैव आल्सो ब्रॉट दिस हिंदी ट्रांसलेशन. अ लॉट ऑफ यू वांटेड द हिंदी ट्रांसलेशन, सो मैंने आप सबके लिए हिंदी ट्रांसलेशन भी रखी हर एक स्लाइड में, ताकि आप सबको समझ आ सके. सो दैट एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, यू गॉट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सेम थिंग ओवर हियर. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो हमने क्या देखा है, कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन ने काफी दिक्कत की कई प्लेयर्स के लिए, बट स्टिल इट वाज डन, स्टिल इट वाज डन. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच योगी जी, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट. मैं बिल्कुल ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो मैराथन किया, मैराथन से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले अभी रिसेंटली जो एनडीए एग्जाम हुआ था, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर मी टू सी दैट. बहुत खुशी होती है जब इस तरह से हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों सफल होती है, रंग लाती है. सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी नाइस थिंग, एंड थैंक यू योगा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स. चलिए, बहुत बढ़िया. एनीवेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बन रहा है. आप भी जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल टुगेदर. फाइन, सो हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो ये समझिएगा, उसका मतलब ये आ जाता है कि किस तरह से हम लोग नारी शक्ति जो है उसको और प्रमोट कर सकते हैं, जो नारी है उनकी शक्ति को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्लियर हुआ इतना? सो आप हमेशा देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा फोकस करके चलते हैं. और यहाँ पे हमने केरला में देखा, उन्होंने बोला कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा. ठीक है, अनकमली, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू. अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्टीमेटली वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करेगा. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी. वुमेन जो है बिजनेस जो है वो सारे हम लोग देखते हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने को मिलती है. फाइन, सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, विच शुड बी आइडिया आइडियल फॉर यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. अब कई करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं लुई हैमिल्टन बहुत आते हैं, लुई हैमिल्टन. मैं चाहूंगा आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ के प्लेयर हैं. लुई हैमिल्टन जो है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? लुई हैमिल्टन F1 प्लेयर है, आपको पता होगा, F1 रेसर है, बहुत तगड़े रेसर है F1 के. तो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं लुई हैमिल्टन, बताइए जरा कमेंट करके. लुई हैमिल्टन अभी रिसेंटली भी न्यूज में थे ये. तो हमने क्या देखा, बेसिकली इन्होंने विक्ट्री ली है फॉर्मूला 1 जो होती है, बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 बेल्जियम में हुई थी, वहां पे फिर से विक्टर हुए हैं मर्सिडीज. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो द बेसिक आइडिया इज दैट लुई हैमिल्टन हैज अगेन प्रूव्ड इन हिमसेल्फ कि ये बेस्ट प्लेयर है एक तरह से. अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए. व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज, व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि एक एक्टिविटी होती है, एक हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं, काफकास. आपने सुने काफकास? काफकास के बारे में सबने सुने. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द काफकास, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो काफकास है उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करना था.
लेकिन इंडिया ने क्या बोला है कि अब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, अब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग दैट इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है रशिया की मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से. अब यहाँ होता क्या है, साउदर्न एक्सेस रशिया में एक जगह है अस्त्राखान, तो हमने यहाँ पे क्या देखना था, चाइना ने भी आना था, पाकिस्तान ने भी आना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने में कंफर्टेबल नहीं थे. वी वर नॉट कंफर्टेबल इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइना, और सब लोग आ रहे थे. और आप भी कहीं ना कहीं जानते हो, आप भी कहीं ना कहीं जानते हो दैट हमारे रिलेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं इस समय इन कंट्रीज के साथ. तो हमने ये बोला कि नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो 15 to 26 हमने जाना था, हमने बिल्कुल पार्टिसिपेट करना था, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फाइन. सो मैं वही आपको बता रहा हूँ अल्टीमेटली कि छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर डेफिनेटली आज इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन दम, वी ऑलवेज फोकस ऑन दम. क्लियर हो गया इतना. चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जब हम बात करें जूलियट विनोचे, शी इज गोइंग टू बी ऑनर्ड विद अ गोल्डन आइकन अवार्ड. ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं अल्टीमेटली, इनकी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं, 35 ईयर्स का इनका करियर रहा है, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है. हालांकि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज, बट स्टिल इफ यू नो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. ठीक है, यू नेवर नो, स्पेशली इन द एफ कैट इट कैन बेसिकली बी आस्क्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये बहुत एक छोटी सी चीज है जो कि अगर आपको पता हो, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग ऑल टुगेदर. फाइन. सो नाउ आप भी जानते हो कि एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड. बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें क्या होती जा रही, वर्चुअल होती जा रही हैं. तो हमने क्या देखा, 8th ईस्ट एशिया समिट जो है उसको वर्चुअली होल्ड किया गया था, वर्चुअली होल्ड किया गया था. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो देखिए, कैन यू सी दिस ईस्ट एशिया समिट. ईस्ट एशिया समिट क्या देख पा रहे हैं सब लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? वट एम आई शोइंग यू, आई एम शोइंग यू द ईस्ट एशिया समिट एवरी वन. सो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वर्चुअली होल्ड किया गया था, जैसे एक मीटिंग होती है ना ऑनलाइन, उस तरह से होल्ड किया गया. हम लोग क्या देखते हैं, जैसे 10 आसियान मेंबर्स हैं, और अदर नेशन जैसे इंडिया, यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अटेंड की मीटिंग. और यहाँ पे द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द वियतनाम इंडस्ट्री जो है उनकी मिनिस्टर. इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर ने, जो हमारे पीयूष गोयल साहब है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया. सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन बैठे हो, पीयूष गोयल बैठे हुए हैं. ही इज पीयूष गोयल. Can you see that everyone? I have marked that person, Piyush Goyal. So, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए ईस्ट एशिया समिट हुई है और उसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया, पर अल्टीमेटली हम लोग ये चीज जानते हैं दैट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग वे. हम लोग कहीं ना कहीं जब तक फिजिकली नहीं मिलते हैं तो एक थोड़ा सा इशू रहेगा ही रहेगा. तो वी जस्ट होप दैट जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन. इतना समझ आ गया. चलिए, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे रिसेंटली कर्नाटका वॉज ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ न्यूज. एक ट्रेन की वजह से वो काफी न्यूज में था. कोई बता सकता है ट्रेन का नाम? कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ द ट्रेन? इट वॉज रोरो ट्रेन. रोरो ट्रेन, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन, गेटिंग इट? सो हमने क्या देखा, बिटवीन बेंगलुरु और सोलापुर में ये ट्रेन देखी गई. नाउ इट वॉज ओपन फ्लैट वैगन्स ऑन विच ट्रक्स विद द गुड्स आर लोडेड. तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बढ़िया चीज देखते हैं, इसमें आप ट्रक्स को लोड कर लो और आप ट्रक्स को जो लोड कर लेते हो उसके बाद आप कहीं पे भी उतार सकते हो, कहीं पे भी उनको चढ़ा सकते हो. आई विल ऑल्सो शो यू यूजिंग अ डायग्राम, आई विल ऑल्सो शो यू यूजिंग अ फिगर कि रोरो ट्रेन कितनी बढ़िया चीज है. रोरो ट्रेन इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो हम लोग क्या देखते हैं कि इट कैन कैरी 42 ट्रक्स बेसिकली. तो आप ट्रक ऊपर बिठा दो और फटाफट ट्रेन उसको ले जाएगी. कैन यू सी दैट ब्यूटीफुल ट्रेन, रोरो ट्रेन? ये देखिए कितनी बढ़िया ट्रेन है. ट्रक को ऊपर बिठा दिया, कितने ट्रक लेके जाएगी ये? 42 ट्रक्स लेके जा सकती है. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. सो नाउ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स आर लोडेड विद द ड्राइवर्स, क्लीनर्स, लॉरी सिटिंग ऑन द व्हीकल्स. तो आप बैठ जाइए इसके ऊपर और ट्रेन आपको ले जाएगी. इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, पोल्यूशन भी काफी कंट्रोल में आ जाएगा. जो इतने ट्रक्स धुआं छोड़ते थे, अब वो ट्रक धुआं नहीं छोड़ेंगे, आराम से वो चले जाएंगे. सही आया? तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, विच हैज बीन डन. सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट विच वी हैव सीन. I hope it's clear to all of you. Okay, that's fine. Thank you so much for all your congratulatory messages. चलिए बहुत बढ़िया. Goldie, thank you so much. Prakash, thank you so much. चलिए मुझे खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ exam में जब आता है तो it is always a very good thing for us. Fine. So I'm glad that इस तरह का कुछ भी अगर आपको आया है, so I'm glad. Anyways, हम जानते हैं, देखिए COVID फैला हुआ है और COVID के time पे
एक मेडिकल असिस्टेंस पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने क्या देखा, इंडियन रेलवे ने मेडबॉट बनाया। मेडबॉट, मेडबॉट क्या, इट इज बेसिकली इन ऑर्डर टू डिलीवर फूड टू द कोविड पेशेंट। ये देखिए क्या मेडबॉट है, कैन यू सी दैट मेडबॉट एवरीवन। सो मेडबॉट क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है हर एक चीज की। मेडबॉट छोटी छोटी डिलीवरी कर रहा है, जैसे वार्ड में आपको कोई खाना चाहिए तो मेडबॉट आएगा और आपको खाना दे देगा आके। मैं आपको और एक फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा सा, जिसके अंदर आप मेडबॉट देख सकते हो। सिंपल सी बात है, मेडबॉट किसने बनाया, मेडबॉट बनाया है किसने, हमारे इंडियन रेलवेज ने। सो दैट्स अ बेसिक थिंग। तो हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल वगैरह में आप देख सकते हैं ये मेडबॉट आया, ये टायर लगे हुए, मेडबॉट आएगा आपको खाना देके चला जाएगा, वो दवाई देके चला जाएगा। सो मेडबॉट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है और आप पिक्चर में देख सकते हैं मेडबॉट को, आप आराम से पिक्चर में क्या देख सकते हैं, मेडबॉट को देख सकते हैं। समझ आ गया इतना एवरीवन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो छोटा सा भाई रोबोट है, तो ये मेडिकल रोबोट है, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये अपना काम कर रहा है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई होप इट्स क्लियर। सो देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू शुड बी हैविंग एन आइडिया अबाउट देम, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक दुखद खबर आप सबके लिए, जो कि आपको पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके वेलांदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो यू ऑल वेरी सेटिस्फाइड विद द मैराथन क्लासेस। सो मुझे भी ये लग रहा था कि हम लोग मैराथन करवा रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। सो आई एम ग्लैड कि आपको बहुत बेनिफिट मिला, आपको बहुत बेनिफिट मिला, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी जो है, ही पास्ड अवे, ही वाज 84 इयर्स ओल्ड। बस आपको इतना पता होना चाहिए, देखिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में, इनको पद्म भूषण मिल चुका है। सो ही वाज भारत रत्न अवॉर्डी, ठीक है, ही हैज बीन अवॉर्डेड दिस बढ़िया थिंग। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए प्रणब मुखर्जी के बारे में, श्री प्रणब मुखर्जी इज नो मोर विद अस, ठीक है। सी मेडबॉट मतलब होता है मेडिकल रोबोट, मेडबॉट गोल्डी, वो ऐसे कोई इसमें फुल फॉर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया इतना। तो इस तरह से इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, मेडबॉट मतलब मेडबॉट, मेडिकल रोबोट, मेडबॉट। बॉट तो देखो कहीं पे भी अगर आ जाए, बॉट तो आप देखो कहीं पे भी अगर आ जाता है तो वो वही चीज कहलाता है, समझ आ गया इतना। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देखिए, मैं जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूँ, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इसका जिक्र कर रहे हैं, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इसका जिक्र कर रहे हैं। एंड आई एम यूजिंग यू नो ऑल दीज पिक्चर्स सो दैट कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक रिटेंशन दे सकूं। मैं हमेशा ये चीज करता हूं ताकि आपकी रिटेंशन पावर को थोड़ा और एनहेंस किया जा सके, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो एवरीबडी मेक श्योर यू आर लाइकिंग द सेशन। चलिए, एयरफोर्स का जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, उनको खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला 2020। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अभी हमने देखा था, इवेंट हुआ था, बहुत बढ़िया इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे इनको मिला है। वो बात अलग है कि इन्होंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने मास्क हाथ में पकड़ा हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो हमने क्या देखा अल्टीमेटली कि एयरफोर्स का जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, वहां पे वो किसके अंडर आते हैं बेसिकली, राकेश कुमार सिंह भदौरिया तो है ही है चीफ मार्शल, तो उनके अंदर आएगा ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एफकेट इट इज इम्पोर्टेंट, एफकेट के लिए इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्लियर। करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, मेरा बस चले, मैं तो रोज मैराथन कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी और भी स्प्रिंट्स दौड़नी होती पूरा दिन में, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो फिर मैं तो रोज दौड़ लूं, लेकिन मेरे लिए और भी काफी काम। चलिए, डोंट वरी। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे विज्ञान भवन में अवार्ड दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने एक 2500 करोड़ लगभग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पिनाका मिसाइल्स के लिए टू इंडियन आर्मी। अब आप बताइए, पिनाका मिसाइल आप जानते हो किस तरह के मिसाइल होते हैं, पिनाका मिसाइल मल्टीपल रॉकेट होता है, ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट होता है। एनी आइडिया बताओ, पिनाका पता है कि नहीं, पिनाका के कैलिबर के बारे में एवरीवन, डू यू नो अबाउट द पिनाका, लेट मी शो यू, दिस इज पिनाका 12, आप देख सकते हैं यहां पे बैरल्स बनी हुई हैं। सो जो पिनाका है, इसकी रेट ऑफ द फायर बहुत होती है, सो आप देख सकते हैं 12 रॉकेट ये फायर कर देगा, ठीक है, बैक टू बैक फायर करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम लोग देखते हैं लगभग 80 किलोमीटर की मार है इसकी, 80 किलोमीटर की रेंज करता है ये, दैट्स अ गुड रेंज। सो ये बात आपको याद रखनी होगी, एंड दैट्स द काइंड ऑफ द फायर, आप देख सकते हैं जब ये फायर होती है, सो 80 किलोमीटर तक की करेगा। तो हमने क्या प्लान किया है कि हम लोग स्वाथी को लगाएंगे, स्वाथी जो है हमारा वेपन लोकेटिंग रडार है, वेपन लोकेटिंग रडार वेपन लोकेट करेगा और हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे किसको, एनिमी को, ये हमारा बेसिकली प्लान है। और इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पिनाका चाहिए, ठीक है। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया इतना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए,
नेक्स्ट वन। नहीं राजी, मैं वही आपको बता रहा हूं, जो अब हम लोग पिनाकास देख रहे हैं ना, इनकी इफेक्टिव रेंज आप ये मान के चलो 80 किलोमीटर तक हो चुकी है, ठीक है। नो नो, इट इज नॉट एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल तो होती जो प्लेन लॉन्च करता है, ये होती सरफेस से हिट करेगी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इंडियन रेलवे जो है उन्होंने 960 जो स्टेशन है उनको सोलराइज कर दिया है, तो हम क्या देखते हैं वहां पे सोलराइज किया जा रहा है अलग अलग स्टेशन को, सोलर रूफ पैनल लगाए जा रहे हैं। तो इट इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक न्यूज, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, आपको फिर भी पता होना चाहिए अल्टीमेटली दैट हाउ डू वी लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि हमारे यहाँ जो प्लान है सोलराइज करने का वो बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, एंड वी शुड ऑलवेज बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। वी शुड ऑलवेज बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आ गया इतना? सो ये बहुत एक छोटी सी चीज है, सुनने में लगता है लेकिन बहुत बड़ी पहल है ये हमारी, जो ये एक ऐसी पहल है जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, हैविंग सेड दिस पर्टिकुलर थिंग, देखिए पिनाका मैं वही बता रहा हूँ, एयर डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया मिसाइल मानी जाती है, एयर डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया मिसाइल है, याद रखिएगा। हमारे जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, सो दे ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर रेंज मिसाइल, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा ये काम करके दिखाती है, कारगिल वॉर में भी हमने यूज किया था। तो वैसे जरूरी नहीं कि एयर डिफेंस ही करेंगे, आर्टिलरी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं इससे, वी कैन डू इट। नेक्स्ट वन, CSIR है हमारे पास, सिमेरी। इट इज डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। सोलर ट्री क्या होता है पता है आपको? सोलर ट्री क्या होता है बताइए? वन सोलर ट्री जो होता है उसमें इतने हम देखेंगे पैनल्स लगे होंगे और 330 हम लोग देखेंगे ईच, बताइए। दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्री, इट इज नोन एज सोलर ट्री, इट इज सोलर ट्री, कैन यू सी दैट? सो आप याद रखिएगा, हमने कहा देखा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है ये, दुर्गापुर, देखिए कितना सुंदर ट्री है ये। हमने क्या बनाया, सोलर पैनल के ट्री बना के रख दिया वेस्ट बंगाल में, इसको क्या बोला जाता है? सोलर ट्री बोला जाता है। समझ आया? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है अल्टीमेटली। बिल्कुल जतिन आए हैं क्वेश्चन, मैं मान सकता हूं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्वेश्चन आए हैं हम जानते हैं, तो मैं यही वेट कर रहा था कि आप मुझे बताओगे बेसिकली क्वेश्चन आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो देखो, अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे, प्रॉपरली तैयारी करोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स ही मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, अब देखिएगा, इंडिया की पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर जो है उनको अपॉइंट किया गया, कहां पे? तमिलनाडु में। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये कि हमारी महिलाएं जो है वो इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि वो एम्बुलेंस को भी ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। सो दैट्स अ बिग थिंग। सो एम वीर लक्ष्मी, देखिए नाम में ही इनके वीर है, वीर लक्ष्मी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम वीर लक्ष्मी, शी इज द फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर, शी इज द फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि हम देखते हैं, जो कि महिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह गई हैं, महिलाएं हमेशा आगे ही आगे हैं। क्लियर हो गया इतना? दैट्स अ बिग थिंग ऑल टुगेदर, दैट्स अ बिग थिंग। नेक्स्ट वन, आप जानते होंगे हमारा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पता है कि नहीं पता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमने देखा है यहाँ पे अशोक लवासा जी थे, अशोक लवासा को अब जाना पड़ गया एडीबी में, वो बैंक जा रहे हैं बेसिकली, तो जब वो एडीबी में जा रहे हैं, डेवलपमेंट बैंक में जा रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आ गए? राजीव कुमार आ गए। तो इनको किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्रेसिडेंट साहब ने इनको अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? इनको अपॉइंट किया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हैव दिस बेसिक आइडिया इन माइंड ऑलवेज। फाइन, सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए ये सब। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया सितंबर को एज अ न्यूट्रिशन मंथ। उन्होंने अपने मन की बात की थी, आप जानते हैं मन की बात करते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और मन की बात में उन्होंने साफ साफ ये बात बोली कि हम लोग चाहते हैं कि इसको एक न्यूट्रिशन मंथ बनाए। हम क्या देखते हैं, पोषण अभियान चल रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको पोषण माह बोला जाएगा, न्यूट्रिशन मंथ बोला जाएगा, एंड अल्टीमेटली इसके अंदर आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप अच्छा अच्छा खाना खाओ, आप अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दो। सो दैट्स अ बेसिक आइडिया। फाइन, सो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, समझ आ गया आपको? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। एनी डाउट यू कैन लेट मी नो, यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन फॉर द वेमेन इज अ डिफरेंट इशू रहते, उसको इसमें मिक्स मत कीजिए, ठीक है। रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट इशू, बिल्कुल। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। चलिए,
So now, a very interesting one over here for all of you is, हमने क्या देखा है, हमारी जीडीपी जो है वो 23% क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ये एक बहुत बड़ी श्रिंकेज है। तो हमने क्या देखा, अल्टीमेटली एनएसओ हमारे लिए जीडीपी निकाल के लाता है, तो हमने देखा एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। सिंपल सी बात यह है, देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। इट्स अ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो आप देखो गुड्स भी कम प्रोड्यूस हुए, सर्विस भी कम प्रोड्यूस हुई, तो जब सब कुछ कम होगा तो जीडीपी श्रिंक तो करनी है, तो हमारी श्रिंक कर गई है। क्या करके श्रिंक कर गई है, क्योंकि गुड्स भी कम प्रोड्यूस हुए, सर्विस भी कम प्रोड्यूस हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। फाइन, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसीलिए आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। समझ आ गया इतना? चलिए, चलो अब नेक्स्ट बहुत एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज है आपके लिए। एस आर शर्मा इज द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ मटीरियल ऑफ इंडियन नेवी। अब मुझे तो पहले इस वर्ड का मतलब बताओ, सारे सब लोग मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ। आपको लग रहा होगा सर ये तो टाइपो है, ये तो टाइपिंग एरर है, बताइए व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब होता है इसका? मटेरियल क्या मतलब होता है मिलिट्री टर्म्स में? यू शुड ऑल नो दिस थिंग, यू शुड ऑल बी नोइंग दिस थिंग। क्या होता है राजे? मिलिट्री मटेरियल है, मिलिट्री इक्विपमेंट को बोलते हैं, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं। तो याद रखेगा ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह को देखेंगे किस तरह से हमें लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स और जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह होती है तो उसको बोलते हैं चीफ ऑफ मटेरियल, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज। सो इट वाज नॉट अ टाइपिंग एरर, इट इज नॉट अ टाइपिंग एरर। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हैव दिस थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है? एनीवेज, हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी कई क्लासेस में जिक्र किया है अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो इंडिया को रैंक मिला है कितना, 48 रैंक मिला है इस इंडेक्स में, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2015 में 81st रैंक हुआ करता था, फिर हमारा 52nd रैंक आ गया था, अब हमने इम्प्रूव करके 48 रैंक कर लिया है। इसको कौन निकालता है? इसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड, विपो, ये सब मिलकर निकालते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर चीज को सब मिलकर निकालते हैं। और आपको याद रखना है कि अल्टीमेटली इसकी थीम क्या है इस बार, हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कि इनोवेशन तो करनी है लेकिन फाइनेंस कौन करेगा इनोवेशन? सरकार करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी, कौन करेगा? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन, सो ये आपको बहुत ही छोटी सी चीज है जो कि पता होनी चाहिए। और रैंक तो आपको देखो याद होना ही चाहिए, रैंक पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, रैंक तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। क्लियर हो गया इतना? सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हैव अ गुड क्लैरिटी ऑफ देम, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबसे, एवर हर्ड ऑफ द नेम सुमित नागल? सुमित नागल को कौन लोग जानते हैं? सुमित नागल एक बहुत बढ़िया टेनिस प्लेयर है, पता है कि नहीं? सुमित नागल, तो ही विंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेंस ड्रॉ, हमने देखा मेंस ड्रॉ हुआ था बेसिकली। सो ही वेंट इनटू सेकंड राउंड ऑफ द ऑनगोइंग यूएस ओपन टेनिस थी बेसिकली, हमने देखा। तो पहले हमने देखा था सोमदेव देववर्मन जो है इज द लास्ट प्लेयर टू रीच द सेकंड राउंड। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होता है आगे के राउंड्स में पहुंचना सिंगल्स में बेसिकली, तो हमने देखा सुमित नागल इज अ प्लेयर हु इज इनटू टेनिस, ठीक है? अब हम देखेंगे आगे जाके और भी प्लेयर्स को फेस करेंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा करके लाएंगे, ठीक है? सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, सुमित नागल इज एसोसिएटेड विद टेनिस। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ही इज एसोसिएटेड विद टेनिस, कई लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, तो आपको कम से कम ये सब चीजें तो पता ही होनी चाहिए, आपको कम से कम ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर डेफिनेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनीवेज, हम लोग देखते हैं सरकार कुछ ना कुछ कर रही है कोविड से फाइट करने के लिए। सो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड दिस मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी जो नेशनल प्रोग्राम है, दे हैव बेसिकली बीन दिस हैज बीन अप्रूव्ड। अब आप एक चीज याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, टू बिल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट जिनका प्रॉपर स्किल सेट हो। और हम लोग देखेंगे इट विल फोकस ऑन सेटिंग अप प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी और उसके थ्रू ही हर चीज की जाएगी। तो हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को कैसे हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर चीज, इसको ध्यान से देखेगा, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो पोर्टल है वहां से मैं पिक किया इसको। हम लोग देखेंगे रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन बींग्स पे आइए, आपको रूल नहीं समझना, आपको रोल समझना है अपना। हम लोग देखेंगे प्रॉपर ऑन साइट लर्निंग करिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सारा का सारा हम लोग फोकस करके चले, मतलब सिविल सर्विसेज जो है
उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये, मतलब जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आईएएस हैं, बाकी सब लोग हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट, हम लोग अपने ट्राइबल्स को भी काफी प्रमोट करते हैं हमेशा। तो हमने देखा नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव देखने को मिली हमें, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव हमने देखने को मिली एंड इट वॉज बेसिकली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फाइन, अर्जुन मुंडा बेसिकली इस मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो ये हमें देखने को मिलती है। समझ आ गया इतना? चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। अब एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, हम क्या देखते हैं, वॉर हीरोज की तो हमने बहुत बार नाम सुना है, लेकिन वाटर हीरोज हमने कई बार नाम नहीं सुना। वाटर हीरोज, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली एक कॉम्पिटिशन ही है जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सो देयर इज दिस कॉम्पिटिशन नोन एज वाटर हीरोज कॉम्पिटिशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। यू हैव टू शेयर योर स्टोरीज कि आपने कैसे पानी बचाया। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी थिंग। देखिए, सुमित नागाल की स्टेट कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी गो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एंट्रीज आर इन्वाइटेड एवरी मंथ एंड मैक्सिमम 10 एंट्रीज कैन बी कंसिडर फॉर द अवार्ड। 10,000 का अवार्ड दिया जाएगा, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें यह मत बोलिएगा कि हमने पानी बचाने के लिए नहाना छोड़ दिया। नहाना बहुत जरूरी है, नहाना जरूर है रोज, लेकिन पानी और तरीके से बढ़ाइए, और तरीके से बचाइए। जैसे शावर लेने की जगह आप बाल्टी से नहाइए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आ गया इतना? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। फाइन, चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। इतना समझ आ गया आप सबको? नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम द रेलवेज। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अल्टीमेटली वाई के यादव यहाँ पे देख सकते हैं, इज अपॉइंटेड एज द रेलवे बोर्ड्स फर्स्ट एवर चेयरमैन एंड सीईओ। चेयरमैन एंड सीईओ है ये नाउ। सो हमें अभी अप्रूव कर दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द रेलवेज एज द सीईओ। पहले सीईओ नहीं होता था। सो हम लोग देखेंगे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है उसकी अथॉरिटी है। हम देखेंगे द कैबिनेट हैड अर्लियर अप्रूव्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात आती है। ठीक है, बिल्कुल गोलू, बहुत बढ़िया। सो रेलवेज इज मर्जिंग इट्स 8 रेलवे रिलेटेड विंग्स इनटू अ सिंगल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, IRMS बनाया जा रहा है। तो उसको बेसिकली वीके यादव जी कंट्रोल करेंगे, तो एक बहुत बड़ा चेंज है रेलवेज में, आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया इतना? सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं, इंडिया ऐसा इंडिया बने जिसमें बहुत इंटीग्रिटी हो, जिसमें बहुत ही आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत हो। तो आपको बताना चाहता हूँ, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, गोवा को झारखंड के साथ पेयर किया गया। गोवा को झारखंड के साथ क्या कर दिया गया, पेयर कर दिया गया। क्लियर? सो ये बात आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज एक्टिविटीज करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो हम लोग ये देखते हैं अल्टीमेटली कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग करते क्या है, कि काफी सारे कल्चरल एक्सचेंज वगैरह करते हैं। तो वहां पे झारखंड और गोवा को पेयर किया गया, ऐसे अलग अलग स्टेट्स को पेयर किया जाएगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द पर्पस। सो एवरीबॉडी वॉचिंग द सेशन, मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन। एवरीवन, जो भी सेशन देख रहे हैं, मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन एंड यू आर ऑल्सो शेयरिंग द सेशन एज वेल। फाइन, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये शेयर करना भी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग जैसे कि बोलते हैं। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनीवेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्किम जो है बहुत बढ़िया एक फेस्टिवल मनाता है, बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल मनाता है। एंड दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल में अगर आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे देख के कि कितने सुंदर वहाँ पे मास्क डांसेस होते हैं। मास्क समझते हो, मास्क, ड्रैगन मास्क वगैरह पहने जाते हैं और इस तरह के डांसेस किए जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। तो सिक्किम के अंदर तो ये प्रोग्राम सबसे बड़ा माना जाता है, एक वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल माना जाता है इंडिया का, दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। कैन यू सी दैट? सो इट इज बेसिकली नोन एज पांग लाप्सोल फेस्टिवल। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसकी बहुत ज्यादा। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है, अल्टीमेटली वहां मनाया जाता है। और हम लोग देखते हैं अल्टीमेटली जो गार्डियन डीटी है सिक्किम की, वहां पे जैसे वो कंचनजंगा को बहुत मानते हैं, तो वहां पे उनकी पूजा की जाती है। हम लोग देखते हैं एक ब्रदरहुड है लेपचास के बीच में, भूटियास, ये दोनों वहां रहते हैं, तो उनका एक ब्रदरहुड है, उसको मनाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू कैन सी द ब्यूटीफुल डांस ओवर हियर। कैन यू सी इट इज बीइंग डन इन सिक्किम? फाइन, आई होप इट इज क्लियर। समझ आ गया इतना? सो कैन यू सी द ब्यूटीफुल डांसेस ओवर हियर? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को बोला जाता है पैंग लाप्सोल फेस्टिवल, पैंग लाप्सोल फेस्टिवल। चलिए, थैंक यू सो मच गोल्डी। समझ आ गया इतना? तो देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। सो
मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बात पता हो सो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर यू फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. समझ आ गया आपको पैंग लाब्सोल फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन. एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. चलिए अब आप एक मुझे बात बताएंगे, क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी कब मनाया जाता है? When do we celebrate International Day for Charity? Any idea? International Day of Charity कब मनाते हैं बताओ? It is celebrated 5th of September everyone. ये मनाया जाता है basically. ये recognize करता है charity कितनी important चीज है. Now 5th September choose किया गया क्योंकि death anniversary थी Mother Teresa की. Mother Teresa को सब जानते हैं, सुना है Mother Teresa का नाम सबने? Mother Teresa. ठीक है, honorary citizen of India भी रही है Mother Teresa. So Mother Teresa जो है शी वॉज अ ग्रेट सेंट, हमारी अर्थ पे पैदा होने वाली वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स में मैं उनको मानता हूँ. 1997 में उनकी 87 की एज में डेथ हो गई थी. सो 1997 की बात है, मदर टेरेसा जो है 5 सितंबर को उनकी डेथ हो गई थी, उसी को बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी मना लेते हैं. ठीक है, सो बेसिकली देखो होता क्या है, हमें कहीं ना कहीं इतनी महान पर्सनैलिटी को याद ही करना होता है. ठीक है, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको इतना ही कर सकते हैं कि हम याद कर लें उनको, और उनके उनको याद करके बेसिकली हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा चैरिटी कर लें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस चीज के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. चलिए बहुत बढ़िया. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया कैंपेन गंदगी भारत, ठीक है, छोड़ो. जैसे हमने पहले बोला था ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी तरह से ये चीज है. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे सिंपल सी क्या बात है, देखो स्वच्छ भारत की हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्वच्छ मध्य प्रदेश की भी यहाँ बात कर लेंगे, सिंपल सी बात है. ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन. समझ आ गया इतना? सो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज सुनने में लगती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट है बताइए, सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बताना होगा. फाइन, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं ग्रीन नदीज प्रोग्राम, इट हैज बीन लॉन्च बाय द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीन नजेस, एक प्रोग्राम क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ, अल्टीमेटली ये प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज के लिए. फाइन, नाउ द बुक इज एम टू इंस्पायर मोर देन 20 करोड़ स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हेल्थ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने की बात है, और द बुक इज यूनिवर्सिटीज फर्स्ट बिहेवियरल साइंस बुक, तो बहुत बड़ी बात है ये, तो याद रखिएगा. देखिए ग्रीन नजेस का मतलब क्या होता है, नज का मतलब समझो, आपके बिहेवियर वगैरह को रेगुलेट करने की कोई भी चीज होती है ये, आपके बिहेवियर को काफी रेगुलेट करने की क्षमता रखती है ये, तो इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो आप जब भी इसकी बात करते हो ये ग्रीन नजेस वगैरह की, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होना चाहते हो. एनीवेज, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कौन बताएगा मुझे, क्विक यूएनईपी का हेडक्वार्टर बताइए कमेंट करके, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी बताइए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे, मैं कई बार बता चुका अपने सेशंस में, बताइए जरा, UNEP हेडक्वार्टर एवरीवन. इट्स इन नैरोबी, कितनी बार बताया मैंने, नैरोबी में रहते, केन्या, नैरोबी केन्या में, याद है कि नहीं याद है, यूएस वगैरह में मत टिक करना कभी वहां पे. चलिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक आई रखवाली ऐप लॉन्च की है, किसके लिए की है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए. हम भी जानते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए किया गया है. तो हम लोग क्या देखते हैं, इट विल हेल्प नेटिजंस जो नेट यूज करते हैं टू बिकम ग्रीनरी सेवियर्स, इट्स अ न्यू इनिशिएटिव बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट एम कर रही है टू सेफगार्ड स्टेट फॉरेस्ट बाय मेकिंग पीपल स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस. द स्टेट गवर्नमेंट केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ ऐप टू इनकरेज पीपल टू कंट्रीब्यूट द प्रोटेक्शन एनवायरमेंट. बेसिकली यही है कि आई रखवाली ऐप आप जब डालते हैं, तो अगर कोई पेड़ वेड़ काट रहा है तो उसको आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड ओवर देयर, सो इट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो बहुत कम हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत कम हो रही है. थैंक यू कालिदास, थैंक यू. सो मेक श्योर एवरीबडी ऑफ यू आर लाइकिंग द सेशन, सब लोग मेक श्योर करिए कि यू आर लाइकिंग द सेशन एवरीवन एंड शेयरिंग द सेशन एज वेल. थैंक यू कालिदास, थैंक यू कालिदास ससिधरन, थैंक यू. इंडिया और रशिया आर गोइंग टू टेक पार्ट इन अ 2-डे नेवल वॉर गेम्स इन बे ऑफ बंगाल, ये बहुत बड़ी बात है. इंदिरा, इंदिरा कभी भी नाम आता है याद रखिएगा, इंडिया और रशिया का है, क्योंकि आई एन इंडिया और आर ए रशिया, तो इंदिरा मतलब होता है इंडिया रशिया, इंदिरा. तो याद रखिएगा इंडिया रशिया, बेसिकली यहाँ पे इंदिरा हम देखेंगे, 11th एडिशन इंडिया नेवी की एक्सरसाइज होगी,
और हम लोग देखेंगे INS रणविजय, INS सह्याद्री, ठीक है, फ्लीट कैरियर, INS शक्ति, सारे के सारे आएंगे और ये बेसिकली यहाँ पे पार्ट लेने वाले हैं। ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होने वाली है। यू हैव टू टेक यू नो अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हुई थी, गोवा, विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली इस तरह के देखो ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, फ्लीट टैंकर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स दैट हम लोग अपनी प्रिपेयरनेस को बहुत बढ़िया करना चाह रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शक्ति फ्लीट टैंकर, ये देखिए फ्लीट टैंकर है शक्ति, इट इज बेसिकली शक्ति फ्लीट टैंकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेटली ये सारे के सारे यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं, दे आर ऑल टेकिंग पार्ट ओवर हियर, गेटिंग इट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फ्यूल कैरी करते हैं, फ्यूल और कार्गो साथ में लेके चलते हैं, फ्यूल एंड कार्गो, फ्यूल और कार्गो कैरी करता है शक्ति। तो याद रखिएगा INS शक्ति बेसिकली फ्यूल और कार्गो को कैरी करके चलेगा, एंड दैट इज वाई INS शक्ति इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमें लंबी ड्यूरेशन के लिए जाना होता है कहीं पे भी, तो हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, हम लोग इनको साथ लेके चलते हैं ताकि फ्यूल जहाँ पे भी खत्म होगा तो ये भर देंगे फ्यूल को, ये रिप्लेनिश कर देते हैं, जैसे एरोप्लेन को भरते हैं ना फ्यूल, वैसे ये फ्यूल भर देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइन। और सह्याद्री को तो आप जानते ही हो, इट्स अ वेरी सुपर शिप हमारा, जो बहुत फाइटर एक शिप माना जाता है, फ्रिगेट की हम लोग बात करते हैं कभी भी। सो ऑल दिस शिप्स बेसिकली आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंद्रा, फाइन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। सो यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं स्टील फ्रिगेट जो भी है, वॉरियर शिप, दीज आर INS सह्याद्री। कार्गो मतलब होता है कोई भी माल कैरी करना, माल, मालवाहक जो भी चीज होती है वो कार्गो होती है, मालवाहक, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वेरी नाइस। अब एक चीज याद रखिएगा, हमने देखा एफ्लू इंग्लिश ऐप लॉन्च की गई, एफ्लू जो लॉन्च की गई है, हमने देखा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पहले HRD होते थे, तब एजुकेशन हो गए हैं। काफकास के बारे में बता चुका हूं प्रीति, हमने पार्टिसिपेट नहीं करना उसमें, रशिया करवा रहा, ठीक है। द ऐप इज डेवलप बाय द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हम लोग क्या देखेंगे, इट विल हेल्प डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यूनिक इंडियन वे। हम लोग देखेंगे इंडियन प्रोनाउंसिएशन जैसे हम लोग करते हैं, इट इज गोइंग टू बेसिकली फोकस ऑन दैट, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। अल्टीमेटली ये याद रखिए कि ये एक इंग्लिश प्रो ऐप है, इंग्लिश सीखने वाली ऐप है, फाइन। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में रहती काफकास बता दिया था, अगर आपको याद हो, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द काफकास, काफकास के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी, क्लियर। एनीवेज, अब आप एक चीज याद रखिएगा, हम लोग बात करते हैं कभी भी मेकोंग गंगा की, हम लोग बात करते हैं, दैट्स द नेक्स्ट वन। सो मेकोंग गंगा काफी ज्यादा न्यूज में रही है रिसेंटली, वाई? बिकॉज हमने देखा यहाँ पे प्रॉपर एक मीटिंग की गई और पूरे के पूरे ऑफिशियल जो है वहाँ पे मिले हैं आके। सो यहाँ पे याद रखेगा कि 6 जो मेंबर स्टेट्स हैं, यू नो, इंडिया, कंबोडिया, लाओस, ये हम देखते हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेकोंग गंगा। तो देखिए, वैसे भी अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एप्स लर्निंग तो वैसे भी बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, ऐप से काफी लोग सीखते रहते हैं चीज़ें, तो एफ्लू ऐप भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट दैम, दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। सो एज यू ऑल नो, वी हैव गॉट द ग्रेड अप सुपर, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर एनी कोर्स, फॉर एग्जाम्पल यू प्रिपेयरिंग CDS, FCAT, CAPF, INET, SSB, यू गेट ईदर फॉर 3 months, 6 months और 12 months, आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अल्टीमेटली, वॉट एवर सूट्स योर नीड्स। बेसिकली दीज आर कंडक्टेड 2 times a year, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द 12 months वन, ठीक है, आप बिल्कुल 12 months के ऊपर जा सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉय द करंट अफेयर विच आर प्रोवाइडेड टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली यू हैव अंडरस्टूड वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट, और आप कहीं ना कहीं इसको ज्यादा से रिटेन करोगे, मैं श्योर हूँ, क्योंकि हमने इसको बहुत ही एक पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट से किया है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट इवनिंग, स्टे सेफ, स्टडी वेल ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।